माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यगण, देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण, राष्ट्रीय परिषद से जुड़े हुए हमारे सभी देश भर से आए हुए बहनों और भाइयों, माननीय रक्षा मंत्री जी ने विकसित भारत मोदी की गारंटी से संबंधित जो राजनीतिक प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में प्रस्तुत किया है, जिसका अनुमोदन माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पर किया है, मैं भी इस प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। हम सब जानते हैं पिछले 10 वर्षों में पूरे भारत ने 140 करोड़ की आबादी ने एक नए भारत का दर्शन किया है। एक नया भारत जहां पर भारत के हर नागरिक को दुनिया में सम्मान मिलता है, उसके पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, जिस भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है, जिस भारत की आंतरिक सुरक्षा आज पूरी तरह सुरक्षित हुई है, जिस भारत ने सुशासन का स्वाद आजादी के बाद पहली बार जिस भारत में हर तबके को देखने को मिला है, और गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, न जाति, न मत, न क्षेत्र, न भाषा, हर व्यक्ति को, वह गांव का हो, वह गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, युवा हो, समाज के हर तबके को जिस रूप में पिछले 10 वर्षों में इन योजनाओं का लाभ मिला, अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्रीय महाधिवेशन के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन कराने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से हूं तो मैं वहीं से शुरुआत कर लेता हूं। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से देश को नेतृत्व देते हैं और काशी विश्वनाथ धाम से जो यात्रा प्रारंभ हुई, आज अयोध्या में प्रभु श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में 5 सदी के बाद पुनः विराजमान हो चुके हैं। हर राम भक्त, हर सनातन धर्मावलंबी इस घटना से प्रफुल्लित है और भारत को इस दिन की प्रतीक्षा सदियों से थी। भाव विभोर करने वाला यह क्षण आज अयोध्या में देखा जा सकता है। 22 जनवरी को भी और 23 जनवरी को भी हम लोगों ने देखा था। पूरे देश भर से आए हुए श्रद्धालु, जो जहां से भी आया, क्या भावनाएं थी और किस रूप में उमड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दर्जनों पीढ़ियां चली गई एक ही कामना के साथ, एक ही तमन्ना थी कि अयोध्या
मैं प्रभु फिर से अपने मंदिर में विराजमान हो जाए, उसका भव्य मंदिर बन जाए। किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष निरंतर जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में ऐसा एक अनोखा प्रकरण रहा है जहां बहुसंख्यक समाज को अपने ही आराध्य के लिए उनकी जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए सदियों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा, हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होना पड़ा। संतों के स्तर पर बैरागियों ने, पुजारियों ने, नागाओं ने, निहंगों ने, बुद्धिजीवियों ने, राजनेताओं ने, वनवासियों ने और समाज के हर तबके ने जाति पाति विचार दर्शन पूजा पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए अपने आप को उत्सर्ग किया और अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि सनातनी आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हुई। आज हर श्रद्धालु की आत्मा प्रफुल्लित है और इस बात से भी पूर्वजों की साधना को सिद्धि में बदलने के लिए और मंदिर बनाने का जो संकल्प था और जहां संकल्प था मंदिर वहीं पे बना है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का यह राष्ट्रीय महाधिवेशन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता और आभार व्यक्त करता है। पिछले 10 वर्ष के अंदर पूरे देश के अंदर विकास की जो गति बढ़ी है, अगर उसकी स्पीड आप देखेंगे तो हम सबको बहुत एक नए आत्मविश्वास के साथ भरता है। पहले से आई थी, आज पूरे देश के अंदर हम सब देखते हैं कि जो देश के अंदर पहले जिनकी संख्या बामुश्किल सैकड़ों में थी, आज 120,000 से अधिक स्टार्टअप भारत के अंदर है। यही नहीं, भारत के अंदर माननीय वित्त मंत्री जी ने भी बताया कि जो भारत 2014 में दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता था और ये माना जाता था कि भारत का कोई स्थान नहीं, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तो भारत है ही, प्रति व्यक्ति आय को भी भारत दुगना करने में सफल हुआ है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो कार्य हुआ, रेलवे लाइन देश के अंदर इस दौरान जिस रूप में बढ़ाने का कार्य हुआ, वह 22,000 किलोमीटर जो थी वह 10 वर्ष में बढ़कर के 55,198 किलोमीटर की हुई और वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें आज भारत को वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा के रूप में हम सबको मिली है। आज भारत के अंदर सड़कों के निर्माण के रूप में अगर आप देखेंगे, हाईवे आज जिस गति से बढ़ रहे हैं, जो पहले 60 से 65 किलोमीटर प्रतिदिन की भी जिनकी रफ्तार नहीं थी, आज 130 किलोमीटर पर डे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने पिछले 10 वर्ष में इस स्पीड को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और देश के अंदर न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 7 एम्स से बढ़कर के 22 एम्स होना, आईएम 13 से बढ़कर के 20 होना, आईआईटीज की संख्या 16 से बढ़कर के 23 होना और मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 387 से बढ़कर के 660 होना, यह नए भारत की तस्वीर कह रहा है जो केवल बोलता नहीं है बल्कि करके दिखाता है। और यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी और यशस्वी नेतृत्व में। अगर हम किसान देश के अंदर गरीब कल्याण की बात देखें, पिछले 10 वर्ष के अंदर 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से
उन लोगों को लाभान्वित करने का कार्य किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 4 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव के आवास की सुविधा प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से अधिक गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध होते हैं। उज्ज्वला योजना में, स्वच्छ भारत मिशन में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनकर के उन्हें स्वस्थ होने की गारंटी भी दी जाती है और नारी गरिमा की रक्षा भी इसके माध्यम से की जाती है। जनधन अकाउंट में 52 करोड़ से अधिक गरीबों के अकाउंट खुलते हैं। सौभाग्य योजना में 3 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में यह सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में 19 करोड़ से अधिक, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर में 65 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर, पहली बार गरीब पटरी व्यवसायियों के हित के बारे में किसी सरकार ने कार्य किया है, सोचा है और उसको प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है, या प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में संभव हो पाया है कि आज 65 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर इस योजना का लाभ ले पा रहा है। अटल पेंशन योजना में 6 करोड़, मातृ वंदना योजना में लगभग 4 करोड़ और पीएम स्वामित्व योजना में देश के अंदर लगभग 1.5 करोड़ गरीबों को जहां पे उसका आवास है वहीं पर उसे मालिकाना अधिकार भूमि का प्राप्त देने की गारंटी, यही मोदी की गारंटी है। और इस अवसर पर हम कह सकते हैं कि 10 वर्ष अंत्योदय से एक विकसित अर्थव्यवस्था तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से इज ऑफ लिविंग तक, इज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन तक, कृषि और किसान कल्याण से लेकर के गरीब कल्याण तक, आस्था से आजीविका तक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से स्वावलंबन तक, और अपनी विरासत की प्रतीक भारतीय संस्कृति